success party of Hindi medium was a star-studded event attended by lead actor Irfan Khan, besides Kriti Sanon, Sushant Singh Rajput, Divya Khosla Kumar and others. हमारा मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है. ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं. मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ बट ये ऐसे होने लग गया. अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है. ऐसा रेयरली होता है. सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग यू नो. दिस इज़ साइन कि ऑडियंस इसको इसकी मार्केटिंग कर रही है. हम नहीं कर रहे जितनी करनी थी हमने कर दी. कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं आपको जिन पर भरोसा होता है कहानियों पर जो लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी जो लगता है कि लोग ये पैसा रिकवर करके देंगी ऐसी कहानियों में आप यू नो अपना कन्विक्शन डालना चाहेंगे. फर्स्टली आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज सो इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द स्टोरी बट आई एम श्योर दैट इट्स ग्रेट कंटेंट एंड या इफ समवन लाइक एन इरफान खान इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इट हैज टू बी ग्रेट कंटेंट सो आई वुड लव टू डू इट. बहुत मजा आता है जब एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा करती है. इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है दीपक ने काम किया है मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ख़ास करके इस टाइप की फिल्में ऐसे इश्यूज़ को जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से प्रेविलेंट है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते तो इतने एंटरटेनिंग वे से वो फिल्म बनाना आई थिंक क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर. वी आर वेरी हैप्पी. आई थिंक द फिल्म इज इतना प्यार और इतना लव मुझे शायद कोई भी मेरी पिक्चरों को बदलापुर ऑल्सो गॉट बट इसमें कुछ हद से ज़्यादा प्यार मिला है. ऑडियंसेज हैव लव्ड इट. इतने मैसेजेस आए हैं कि द फिल्म इज रेलिवेंट द फिल्म इज अपीलिंग टू पीपल द फिल्म इज गिविंग अ मैसेज एंड येट एंटरटेनिंग. तो अभी तो बहुत खुश हैं. पूरा हफ्ता इतना अच्छा गया एंड होपफुली फॉर द नेक्स्ट टू वीक्स ऑल्सो इट विल रन. हम इस फिल्म को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे इसलिए हमने ये फिल्म एक हफ्ता पहले दिखानी शुरू की 10 दिन पहले दिखानी शुरू कर दी थी प्रेस को फ्रेंड्स को और सबके जो रिएक्शन आ रहे थे जैसे डीनो ने भी बताया वो मुझे भी इतने लोगों के फ़ोन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया. मैंने हमारी एक और फिल्म थी जो बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई थी एयरलिफ्ट बट इसमें इतने लोगों के फ़ोन आए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू लेके एवरीबडी दे हैव जस्ट लव द फिल्म मीन्स तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है. मोर देन अर्निंग मनी इन दिस फिल्म आई थिंक जो हमें रिस्पेक्ट मिली है आई थिंक दैट इज उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते. न्यूज़ दी नहीं कि सो वी वर टैक्स फ्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड नाउ वी आर टैक्स फ्री इन मध्य प्रदेश. या सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़. आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री जो है आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है. एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए होती है बच्चों को दी जाती है तो इट शुड बी ऑल अबाउट यू नो हमारा यूथ कैसे आगे बढ़ रहा है और कितना कितना नॉलेज गेन कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली एक इंडस्ट्री बन गई है और कोई भी इनफैक्ट दिल्ली में और नॉर्थ में तो ये बहुत पॉपुलर है कि बिना डोनेशन के या तो बिना जान पहचान हुए आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल ही नहीं सकता. तो बहुत कोइंसिडेंटल है कि मेरे पास भी लास्ट ईयर 4 फ़ोन कॉल्स आई थी मेरी फ्रेंड्स की और मेरे एक्वेंटेंसेस की जो कि चाहते थे कि मैं कुछ अप्रोच करके उनके बच्चों का एडमिशन सो एंड सो स्कूल में कर दूं. एंड एक जो मेरी कज़न है वो तो इनफैक्ट शिफ्ट भी हुई अपनी जगह से दूसरी जगह पर जस्ट फॉर हर सन्स एडमिशन. सो दिस इज़ द रियलिटी एंड आई एम श्योर यू नो पिक्चर बहुत कुछ कहती है एंड या